हम भारत के लोग आज कुछ विशेष दिवस को लेके हम लोग एकत्रित हुए संविधान दिवस। विधि दिवस जो है जब 1950 में सुप्रीम कोर्ट बन गया तो उसके बाद वहाँ एक वकील हुआ करते थे, बहुत बड़े विधि वेत्ता थे। तो उन्होंने कहा कि हमारा संविधान का तो हम ध्यान ही नहीं दे रहे, बन गया हम उस पर कोई चर्चा नहीं कर रहे। तो 1950 के करीब 29 वर्ष बाद 1979 में उन्होंने कहा साहब हमको इसको भी याद करना चाहिए। लेकिन ऐसी चीज जब पूरा देश आजाद है, जब एकजुट हुए हैं, तो किसी भी देश को अगर हम देखते हैं तो ये कहा जाता है कि किसी भी देश को जानना है तो आप उसके संविधान को जानिए। संविधान एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है जिससे हमको अंदर की चीज़ों के बारे में पता चलता है कि देश क्या है। चीज हमने ग्रहण किए हैं प्रो बोनो एसोसिएट्स के रूप में हमारे प्रो बोनो क्लब के अंदर। आपका पेशा ऐसा है, अगर आप उस पेशे को चुन रहे हैं, कि पब्लिक डीलिंग बहुत जरूरी है और जो पब्लिक आपके पास आने वाली है, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आप जज बन के बैठे हो, चाहे एडवोकेट बन के बैठे हो, क्योंकि हॉट शॉट्स क्लाइंट्स आते आते तो समझ आ जाए। लैंग्वेज या कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत जरूरी है। इस विधि मंदिर में, अवंतिका विश्वविद्यालय में संविधान दिवस और विधि दिवस बड़ी प्रसन्नता के साथ और ज्ञानवर्धन के साथ मनाया गया। अवंतिका विश्वविद्यालय द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सहयोग से आज प्रो बोनो लीगल सर्विस क्लिनिक का भी आज इनॉग्रेशन हुआ। ये प्रो बोनो लीगल सर्विस क्लिनिक के माध्यम से विश्वविद्यालय के विद्यार्थी नहीं अभी तो आसपास के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं इनके भी जरूरतमंद लोग यहाँ से भी निःशुल्क विधिक सहायता और विधिक सलाह प्राप्त कर सकेंगे, जिन्हें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा पूरी तरह से सहायता की जाएगी।